मौला ने कहा तीन चीजों को अपनी जिंदगी के अंदर पैदा करो, समेटते हुए दोबारा अपनी मंजिल की जाने बाओ कि तीन चीजों को अपनी जिंदगी के अंदर पैदा करो, अदा उल फराइज, अपने वाजिबात को अदा करना शुरू करो, दूसरी चीज इस्तेनाबुल महारिम, हराम चीजों से बचना शुरू कर दो। और मैं अपनी बात पर कायम हूं कि शहजादी ने यही जुमले किसी खातून से कहे, रद्द करते हुए दोबारा उस मकाम पर आऊंगा जहां हजरत सलमान का जुमला आपके सुपुर्द किए। वाजिबात को अदा करो, हराम से इज्तनाब करो, हराम से बचने वाले बन जाओ। अब शहजादी की खिदमत में जो खातून आई है, एक मतलब शहजादी से सवाल करती है, शहजादी मेरा शौहर आपका शिया है, आपका चाहने वाला है, मैं आपकी खिदमत में आई हूं कि हमारे लिए दुआ कर दीजिए। शहजादी ने कहा कि बताओ तुम्हारा शौहर हमसे मोहब्बत करता है? यकीनन मोहब्बत करता है। कहा हमारे दुश्मनों से नफरत रखता है या नहीं रखता? आप जरा गौर कीजिए कि अहले बैत के आधार ने अपने चाहने और मानने वाले के लिए किन किन क्राइटेरिया को बनाया गया है। आज विलायत व बरात के नाम पर जो जो मौजूदात आपकी समातों की नजर किए जाते हैं, अहले बैत ने उन तमाम चीजों को क्लियरिफाई करके रखा हुआ है कि फकत मोहब्बत भी हो, मोहब्बत के साथ दुश्मनों से बरात भी दिल के अंदर होनी चाहिए। सवाल किया कि तुम्हारा शौहर हमसे मोहब्बत करता है? मोहब्बत करता है। तुम्हारा शौहर हमारे दुश्मनों से बरात करता है, नफरत करता है? बिल्कुल नफरत करता है। क्या वो हमारा मुहिम है? एक मतलब होने लगी। क्या शहजादी फिर आपका शिया कैसे बनेगा? क्या हमारा शिया उस वक्त बनेगा कि जब वाजिबात को अंजाम देना शुरू कर दे, जो हमने कहा है उस पर अमल करना शुरू कर दे, जिससे हमने रोका है उससे रुकना शुरू कर दे, और हम वही कहते हैं जो परवरदिगार आलम बताता है, इस काम को अंजाम दिया जाए, इस काम से रुक जाया जाए। खानदान अहले बैत की तालीमात ये है जो अपनी जिंदगी के अंदर पैदा करनी, और यही मौला मुत्तकियान कह रहे हैं, अदाउल फराइज, इस्तेनाबुल महारिम, अपने वाजिबात को अंजाम देना शुरू करो, और अपने उन चीजों को जो तुम पर हराम की गई है उनसे बचना शुरू कर दो। और इसके बाद तीसरी सिफत को अपनी जिंदगी के अंदर पैदा करो, जो जिंदगी का इंपॉर्टेंट तरीन असासा होनी चाहिए, जो अहले बैत की जात के अंदर में हमें नजर आती है। और ये वजह पूरी आज की गुफ्तगू का एक पैगाम कि तीसरी चीज अपनी जिंदगी के अंदर पैदा करो। तीसरी चीज क्या है? वाजिबात को अदा कर दिया, हराम से बच गए, वल इस्तेमाल अलल मकारिम, अब अपने इखलाक को बुलंदी की जानिब लेकर आओ, अपने आप को मुस्तमिल कर लो बेहतरीन इखलाक के ऊपर। और उसके बाद मौला मुत्तकियान जो जुमला कहते हैं कि सुम्म ला युबाली, उसके बाद परवाह ना करो, वल्ला खुदा की कसम, ला युबाली अली इब्न अबी तालिब, खुदा की कसम अली इब्न अबी तालिब परवाह नहीं करता, अवका अल मौत अलैही, या मौत अली पर आकर गिर जाए, अवका अलैहि अल मौत, या अली पर मौत गिर जाए, अली मौत पर जाकर गिर जाए। ये तीन सिफतें हैं, शहजादी का किरदार नजर आता है, ये अखलाक है शहजादी का। आने वाला कुछ भी कह रहा है, शहजादी किसी शादी की तरीक तकरीब में जा रही, हदफ यह है कि शहजादी को निशाना बनाया जाएगा, लेकिन किरदार यह है कि एक जबान से जुमला नहीं कहना, रहमतुल्लिल आलमीन की बेटी है, रहमत का पैकर बन के जाएगी, रहमतुल्लिल आलमीन की बेटी है, रहमत का पैकर बन के जाएगी। ये शहजादी कौन है कि जाते अकदस है।